अलाउ uh, कर दिया गया है अब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में का मतलब क्या होता है? और हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पे यहां पर इसके रिगार्डिंग रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो के जजमेंट के रिगार्डिंग बहुत जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सब क्लासिफिकेशन जब यहाँ पे रिजर्वेशन के अंदर अलाउ कर दिया गया है क्रीमी लेयर वाले लोगों को बाहर कर दिया गया है ये गलत करा है या ये, ये सही करा है इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चला है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक प्रोटेस्ट चला है और इनफैक्ट 21 अगस्त को भारत बंद भी घोषित कर दिया गया था तो आप लोगों को मैं पूरी के पूरे यहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्वेशन के अंदर एक्चुअल में क्या क्या बातें हैं वो सारी आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने नया वाला चैनल हमारा एस एल जी लॉ क्लासेस नहीं करा है तो वो लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाकी मिलते हैं अब पूरे के पूरे सेशन के अंदर सबसे पहली बात यहां पर रिजर्वेशन uh, है इंडिया का अगर टॉपिक आता है तो यहां पर दो हमें आर्टिकल्स दिमाग में सेट करके रखने होते हैं अब मेरे को रिजर्वेशन अगर चाहिए Uh, तो मैं या तो शेड्यूल कास्ट होना चाहिए या शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आना चाहिए या ओबीसी की कैटेगरी में आना चाहिए तो अगर मेरे को रिजर्वेशन चाहिए कि अगर मेरे को कहीं पे uh, सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो मैं वहां रिजर्वेशन की मांग करूंगा पहली बात दूसरी बात अगर मेरे को कोई सरकारी नौकरी चाहिए कोई uh, uh, सरकारी विभाग के अंदर अगर मुझे कोई नौकरी चाहिए तो वहां पे मैं रिजर्वेशन की मांग करूंगा तो यहां पे दो हमारे आर्टिकल्स सामने आते हैं कि अगर मेरे को कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेना है तो आर्टिकल और अगर मैं इसका प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है तो ये हमारे दिमाग में दो क्लैरिफिकेशन uh, आ जाते हैं अब इसके बाद एक आर्टिकल आर्टिकल नंबर 335 भी हमारे पिक्चर में आता है तो जो हमारे को साथ में दिमाग में रखना पड़ेगा आर्टिकल 335 हमें क्या बताता है कि देखो Uh, सरकार आपको रिजर्वेशन देनी है ऑफ शेड्यूल रिजर्वेशन एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब यह है कि भाई जब आप सरकार अपना रिजर्वेशन दे रहे हो दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट याद रखना कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खराब नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल यहां पर uh, अगर कोई सरकार के द्वारा

कैंडिडेट जो अपने ज्यादा नंबर ला रहा है आप उसको तो फेल कर रहे हो अब और कई कैंडिडेट अपना कम नंबर ला रहा है आप उसको पास कर रहे हो सौ में से किसी के बीस नंबर आए आप और वो रिजर्व कैटेगरी का है आपने उसको पास कर दिया सौ में से जिसके अस्सी नंबर आए आपने उसको फेल कर दिया तो आप ऐसा नहीं करोगे एक मार्जिन क्राइटेरिया आप सेट करोगे जिससे कि रिजर्वेशन भी दी जाए और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना बैलेंस रहे दोनों चीजों को बैलेंस आप करके चलोगे इसी तरह से आप जो है पूरे देश के अंदर रिजर्वेशन के लिए भी और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पॉलिसीज अपनी बनाओगे तो यहां पर आर्टिकल नंबर थ्री थर्टी फाइव ये अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं ना तो आर्टिकल थ्री थर्टी फाइव भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ता है और अपने मेंस के आंसर राइटिंग में और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले आर्टिकल को भी हमें साथ में पढ़ना पड़ता है ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर हमारे को रिजर्वेशन चाहिए आर्टिकल नंबर पंद्रह और अगर मेरे को सरकारी नौकरी के लिए अंदर रिजर्वेशन चाहिए आर्टिकल नंबर सोलह ये बात को याद रखना है दूसरी बात अगर मैं क्लियरिफाई करूं अब यहां पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई अच्छा ठीक है अब रिजर्वेशन की बात करिए रिजर्वेशन दी जाएगी तो कितना रिजर्वेशन किस व्यक्ति को दी जाए और कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाए जो एक तरह से माना जाएगा हाँ यार सेटिस्फैक्ट्री है यहां पे आ, हमने रिजर्वेशन भी दे है और हमने जनरल कैटेगरी वाले लोगों को भी अपना नौकरी में फॉर्म भरने के लिए मौका दिया है और इसीलिए हमने एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रिजर्वेशन दोनों चीजों को बैलेंस करके रखा है यह कैसे डिसाइड करा जाएगा कौन डिसाइड करेगा और कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नाइन में सबसे पहली बार अपना इस बात का जवाब दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तो केस का नाम है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन के अंदर यहां पे एक सेट करा था सीलिंग कि भाई देखो 50% सीलिंग आप अपना रिजर्वेशन के लिए अलाउ कर दो फॉर एग्जांपल 100 सीटें अगर सरकार जारी कर रही है तो 50 सीटें आप जो है अपना रिजर्व कैटेगरी के रिजर्व लोगों के लिए रख दो और 50 सीटें जनरल वाले लोगों के लिए रख दो दोनों चीजें बैलेंस रहेगी इससे ज्यादा सरकार आप नहीं दे सकते हो 50 से 55 परसेंट का भी मन करा चलो यार इस पोस्ट के लिए 55 परसेंट कर दो इसके लिए 60 परसेंट रिजर्वेशन दे दो आप ऐसा नहीं कर सकते हो सरकार याद रखना फिफ्टी सीलिंग रिजर्वेशन की हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होने के नाते सेट कर रहे हैं बात खत्म हो जाती है चलो और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात और बोली थी कि अगर मान लेते हैं कि आ, कभी मैं भी आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा कि अगर कभी कोई अनफिल्ड वैकेंसीज रह जाती है जैसे कि 50 सीटें तो आ, रिजर्व वाले लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आ, इन लोगों के लिए यहां पर रिजर्व करके रख दी अभी मैं ओबीसी शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि ओबीसी नाइनटीन में भी आया नहीं था ओबीसी नाम की एक रिजर्व कैटेगरी ने जन्म नहीं लिया था इसके बारे में भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा तो यहां पे जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं

रिजर्व uh, कैटेगरी वाली सीटें जो बच गई हैं जो भी भरी नहीं है तो उसको जब अगले साल आप लेकर जाओगे ना तो उसको जनरल कैटेगरी में मत करना उनको रिजर्व कैटेगरी में एड करे रखना बात खत्म हो जाती है चलो जी ये बात समझ में आ गई अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे कि मान लेते हैं 2015 में सरकार ने एक वैकेंसी निकाली सौ सीटों की हम जो है 100 सीटें अपना जारी कर रहे हैं जिसमें से पचास सीटें तो रिजर्व वाले लोगों के लिए पचास सीटें जनरल वाले लोगों के लिए जनरल वालों को तो कोई इशू है ही नहीं ठीक है तो अब यहां पे पचास सीटें जो रिजर्व वालों की है ना वो अभी मान लेते हैं बीस सीटें भर पाई या फिर चालीस सीटें भर चालीस सीटें भर पाई और दस सीटें भी खाली गई है दस सीटें अपनी खाली गई है अब दो हजार साल दो आया दो में भी सौ सीटें निकाली इसमें क्या बोला पचास सीटें तो रिजर्व वालों के लिए एंड पचास सीटें जनरल वालों के लिए प्लस अब यहां पे जब दस सीटें यहां पे खाली पड़ी हुई है अब दस सीटों को यहां भी जोड़ेंगे तो यहां पे कितनी होगी? सीटें और सीटे। तो सीटे सीटे सीट हो जिसमें वही 50 50 परसेंट बट 50 सीटें तो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए प्लस जो 20 सीटें अपना पुरानी बच गई थी वो भी ऐड कर दी और यहां पे कितनी हो गई 70 सीटें अब यहां पर जनरल वालों के लिए रह जाएंगी तो ऐसे तो भाई एक बात बताओ अभी हमने क्या पढ़ा इस केस के अंदर कि, कि रिजर्वेशन नहीं दोगे यह बात बोली गई तो है 70 परसेंट -70 रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मिल रहा है और एक टाइम आने के बाद दो में मान लेता हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं दो आने के बाद हंड्रेड तो भैया यही लोग ले जाएंगे यहां पे तो बीस हो गई फिर तीस हो गई फिर चालीस हो जाएंगे फिर पचास हो जाएंगी तो, 100 तो अपना इनके पास चली जाएंगी रि रिजर्व कैटेगरी में तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का का जजमेंट वायलेशन करना होगा या नहीं होगा तो यहां पे एक क्वेश्चन हुआ इज इट अ वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 50 परसेंट सीलिंग जिसमें हमने बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ के केस में पढ़ा था क्या ये वायलेशन होगा आप लोग मुझे बताइए uh, कमेंट बॉक्स के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी रखनी पड़ेगी रिजर्वेशन का टॉपिक है ये तो इसीलिए आपको इसके ऊपर थोड़ा सा सेंसिबल होकर अपना जवाब देना पड़ेगा तो इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने 1964 सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जजमेंट आया जजमेंट का नाम था देवदसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देवदसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अब यहां पे जब यही क्वेश्चन राइज हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यही आर्ग्यूमेंट्स रखी गई कि जैसा आप खुद बताओ ना कि आपने तो पहले

कि हम जो है कैरी फॉरवर्ड रूल को डाउन करते हैं कि जो आ, बोला गया था कि जो अनफिल्ड उसको आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहो करते रहो करते रहो तो उस चीज को उस मेथड को उस कंसेप्ट को हम क्या करते हैं स्ट्रक डाउन करते हैं हम इसको लागू होना चाहिए हम इसको अलाउ नहीं करते हैं यह बात हमारी क्लैरिफाई हो गई और यहां पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई आ,

ठीक है जी चलो यहां तक आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए फिर एक केस आया नाइनटीन के अंदर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है अभी जब आपको मैं 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का जजमेंट पढ़ाऊंगा ना उसमें भी यह जजमेंट का जिक्र करा हुआ है उसमें भी इस जजमेंट का जिक्र करा हुआ है एनएम थॉमस याद रखना एग्जाम के अंदर हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट है आएगा 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 इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की कहानी बता रहा हूं 1962 से लेके, 2024 तक की की रिजर्वेशन जो एक्चुअल में मुद्दे वाली बात होनी चाहिए एक जुडिशियल पता होना चाहिए एक एडवोकेट को पता होना चाहिए वो सारी कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं तो यहां पे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1976 का अपना जजमेंट आया अब इस जजमेंट के अंदर क्या बोला गया

सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत यूनिक बात बोली और जो कि अच्छी बात बोली कि देखो भाई कैरी फॉरवर्ड रूल आप जब तक कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड रूल आप कर सकते हो जब तक वो 50 परसेंट रिजर्वेशन की सीलिंग को ब्रीच ना करे कहने का मतलब यही है कि जब हमने बोल दिया है कि 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हो तो आप जब कैरी फॉरवर्ड रूल भी करोगे तो आप रिजर्वेशन जब अपनी सेट करोगे तो वो फिफ्टी का ब्रीच नहीं होना चाहिए सिंपल सी बात यही है कि आपने uh, 2015 में हंड्रेड सौ सीटें निकाली इसमें से आपने रिजर्वेशन आप स्टार्टिंग से क्लियर करके चलो 40 परसेंट आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ठीक है 60 परसेंट जनरल वालों के लिए है तो 40 सीटें और साठ सीटें ठीक है 40 में से 30 भर गई 10 रह गई 10 अपनी अनफिल्ड रह गई ठीक है अब 2016 की अगर मैं बात करूं 100 सीटें तो इसमें से 40 अपना रिजर्व वालों को मिल गई रिजर्व जो रिजर्व को मिलनी चाहिए प्लस दस सीटें पुरानी वाली हो गई ना पचास सीटें इसमें से हम ये बोलते हैं पचास पचास सीटें अपनी जनरल वालों को मिल जाएगी तो आप ऐसा खेल जब तक कर सकते हो जब तक अपना फिफ्टी परसेंट का सीलिंग ब्रीच ना हो और जैसे कि आप यहां पे अगर मान लेते हैं पचास सीटें हैं अगर वहां पे चालीस भरी भरी जाएंगी तो ये जो दस सीटें हैं ना अब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है या फिर आप रिजर्वेशन दो में थोड़ा कम करो और ये पुरानी वाली सीटों को एडजस्ट करो ऐसे करके चलना पड़ेगा इन शॉर्ट फिफ्टी रिजर्वेशन की जो सीलिंग है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए अगर वो ब्रीच हुई तो आपके द्वारा जो ये आ, रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर सरकारी नौकरी के लिए सेट करी गई है परसेंटेज रिजर्वेशन का सेट करा गया है उसको हम वॉइड कर देंगे हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे काम खत्म हो जाती है बात क्योंकि लड़ाई झगड़ा कहां से चालू हुआ था लड़ाई झगड़ा इसी बात से तो चालू हुआ था ना कि अनफिल्ड वेकेंसी को कैरी फॉरवर्ड करोगे फिर यह अपना कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी इसी बात को तो कैरी फॉरवर्ड रूल को इसी कंफ्यूजन की वजह से इसी दिक्कत परेशानी की वजह से कि 100 परसेंट रिजर्वेशन हो जाएगी एक बारी में जब कैरी फॉरवर्ड रूल को शटडाउन करा गया था यही तो लड़ाई झगड़ा था यही तो मुद्दे वाली बात थी एन एम थॉमसर सोल्यूशन परसेंट की जो सीलिंग होती है हमने जो सेट करी है बालाजी वर्ष स्टेट ऑफ के केस में भी जो सेट करी गई है उसको ब्रीच मत करना काम खत्म हो है जाती है, बात। है अब नेक्स्ट हमारा आया मंडल कमीशन इसके बाद हमारा आया था मंडल कमीशन एक मंडल कमीशन एक संस्था थी

कैटेगरी uh, में डिवाइड है कोई जनता हमारे भारत के अंदर कुछ लोग या कुछ क्लासेज ऐसी होंगी जो पैसे वाली होंगी कुछ क्लासेज ऐसी होंगी जो कम पैसे वाली होंगी कुछ क्लासेज ऐसी होंगी जो बहुत ही ज्यादा गरीब होंगी जो अपना डेली वेजेस के तौर पे अपना जीवन चला रहे होंगे तो ऐसे लोगों को हमारे को ढूंढना है जो बहुत ही ज्यादा लो वेजेस के अंदर क्लासेस uh, हैं लोग हैं तो उनको हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करा पाएंगे कि जो अमीर लोग हैं और जो से जो कम थोड़े कम अमीर है और जो बिल्कुल ही गरीब है वो अपना थोड़ा सा बैलेंस मैच कर पाए इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर मैनेज कर पाए कि देखो तुम भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो मैं भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूं तुम भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो सरकारी कॉलेज में मैं भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं तुमने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है मैंने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा है तुम पैसे वाले हो मैं थोड़ा मैं ज्यादा गरीब हूं मैं बहुत ही ज्यादा Uh, मेरी इनकम डेली विदेश में चलती है इसलिए सरकार ने मुझे बेनिफिट दिया है रिजर्वेशन दिया है ताकि मैं भी आपके जैसी पढ़ाई कर कर अपने आप को काबिल बना सकूं जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को काबिल बना सके वो अपने बच्चे लोग अपने आप को काबिल बना सके इसीलिए यहां पे रिजर्वेशन दी जाती है सोसाइटी में बैलेंस इक्वेलिटी मेंटेन करने के लिए यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई जाती है तो आर्टिकल थ्री फोर्टी का मतलब यही है कि जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो क्या करेंगे वो एक कमीशन का अपॉइंट करेंगे और वो जो कमीशन का क्या काम होगा कि वो अलग अलग जगह पे जाके पूरे भारत के अंदर आ, जाकर ये चेक करेंगे कि एक्चुअल में बॉर्डर लाइन पर सबसे ज्यादा गरीब क्लासेस ऑफ लोगों की कौन सी है और कोई नई कैटेगरी भी हमें इन्वेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कोई नई कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए जैसे शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स है अभी तक अभी तक अगर मैं आ, 1979 के आ, के अंदर बात करूं कि अब करूब ये, इमेजिन करिए कि हम हम 1979 1979 के अंदर हैं और 1979 के अंदर अंदर हैं हैं और ही पढ़ाई कर रहे ठीक है तो अभी तो हमें और कोई कैटेगरी के बारे में पता ही नहीं है हमें पता ही नहीं है ओबीसी नाम की चीज भी कैटेगरी हो सकती है हमें पता ही नहीं है ईडब्ल्यू के नाम की कैटेगरी भी हो सकती है हमें ये बात अभी पता ही नहीं है याद रखिएगा ठीक है तो फिर यहां पर क्या हुआ एक कमीशन प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा हुआ और उन्होंने कहा कि भाई जाओ

आप जो है इस धर्म के आ जाओ आ जाओ जाओ हम आपको सरकारी नौकरी में ये कोटा देंगे ये रिजर्वेशन देंगे आ, या फिर आप इस धर्म के आ जाओ आ जाओ हम इस कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन कराएंगे सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराएंगे हम आपको रिजर्वेशन देंगे ऐसा अलाउ नहीं है ये फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है फिर आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो आ, बहुत सारी यहां पे रिजर्वेशन सरकार के द्वारा दी जाती है धर्म के कास्ट के आधार पर जाति के आधार पर ठीक है तो आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए और ये वैलिड पॉइंट भी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लास होती है जो कास्ट होती है ठीक है यहां पर इंटरप्रिटेशन रिजर्वेशन के अंदर एक इंटरप्रिटेशन लगाई गई है कि जो आ, बोला गया है कि क्लास को हमें इन्वेस्टिगेट करना क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करना ऐसे कौन कौन से क्लासेस वाले लोग हैं जो अपना रिजर्वेशन को चाहत रखते हैं रिजर्वेशन की डिमांड रखते हैं डिमांड इन द सेंस उनको बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो अपना किस कैटेगरी में आते हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ठीक है या मोर बैकवर्ड क्लासेस छोड़ो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर वो किसमें आते हैं बैकवर्ड क्लासेस के अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन के अंदर जब इंटरप्रिटेशन करी गई तो ये बोला गया कि ये जो क्लासेस है ना ये क्लासेस हमारी कास्ट के लोगों से ही तो बनी है भैया कोई धर्म कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कोई ना कोई धर्म से तो बिलोंग करता होगा कोई ना कोई जाति से तो बिलोंग करता होगा हाँ ना तो इसीलिए यहां पे बोल दिया गया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अलाउड नहीं है बट क्लासेस क्लास बेस्ड रिजर्वेशन तो अलाउड है क्लास बेस्ड रिजर्वेशन तो अलाउड है तो कास्ट इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लास एक जाति जो है वो क्लास की कैटेगरी में तो आती है तो इसीलिए हम इस जातियों को क्लासेस uh, के अंदर मानते हुए रिजर्वेशन देते हैं तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं आपसे सबसे इंटरव्यू में सवाल पूछेगा कि क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अलाउड है आप बोलोगे नहीं आर्टिकल पंद्रह का दो सोलह का दो इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बट

अब हम अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं तो मंडल कमीशन जब अपनी बनाई गई तो मंडल इन्वेस्टिगेट करके एक नई मंडल कमीशन के अंदर जब अपनी रिपोर्ट दायर करी गए, के पास रखी थी कि यहां पे एक है अदर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग और आते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया क्ला, क्लास इंक्लूड्स कास्ट तो यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास में अलग अलग जाति के लोग हैं और बहुत गरीब है वो और बहुत बैकवर्ड क्लास के बैकवर्ड वो माने जाते हैं सोसाइटी में तो उनको रिजर्वेशन देना जरूरतमंद के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना ये माना जाएगा और फायदेमंद भी रहेगा तो इसीलिए आप जो है 27 परसेंट रिजर्वेशन ओबीसी वालों के लिए रिजर्व करके रख दीजिए कहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने कौन सा आर्टिकल बताया था आर्टिकल नंबर सोलह और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को रिजर्वेशन दी जाए ये बात लिखी कहां है स्टेट जो है सरकार जो है Uh, में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए ये कहां पर के चार में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई जाए ये बात कहां लिखी है आर्टिकल नंबर पंद्रह के चार में आर्टिकल पंद्रह क्लॉज फोर के अंदर यह बात आपको याद हो जानी चाहिए फिर इसके बाद क्या हुआ मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई ओबीसी कैटेगरी को बनाओ भाई नई कैटेगरी बनाओ रिजर्वेशन के लिए जैसे शेड्यूल कास्ट थी शेड्यूल से एक तेगरी तेगरी बनाओ और सत्ताइस परसेंट रिजर्वेशन ओबीसी वालों को प्रोवाइड कराना चाहिए यह हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट हमने दायर करी है तो फिर इसके बाद टाइम बीतता गया बीतता गया कोई एक्शन नहीं लिया गया मंडल कमीशन की रिपोर्ट ऐसी अपनी धूल खाती रही एंड अपना अलमारी में रख दी गई थी बात खत्म कोई एक्शन नहीं लिया गया फिर इसके बाद क्या हुआ फिर इसके बाद एक कहानी आई एक और यहां पर एक 1990 में याद रखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है किताबी पढ़ोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बता रहा हूं

अपने किसी मंत्रिमंडल से डिस्कस नहीं करा था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए हमें उन्होंने अपनी मन मर्जी से एक मेमोरेंडम जारी करा गया और इस कैटेगरी को दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर अलाउ करता हूं मैं उसको अलाउ करता हूं तो यहां पर सीधी सी बात करी जाए। तो 1990 के अंदर सबसे पहली बार ओबीसी कैटेगरी को एक दर्जा दिया गया और 27 परसेंट रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड कराई गई ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी करके ऑफिशियल मेमोरेंडम का सीधा मतलब होता है है कि कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं मेरा मन कर रहा ये कुछ पॉलिसी लेकर आने का तो या तो मैं अपने कैबिनेट से डिस्कस करूंगा फिर पॉलिसी का लिए एक मेमोरेंडम तैयार करके वो देश के अंदर लागू करूंगा या फिर दूसरा कैटेगरी यह बनाई गई कि अगर मेरा किसी से डिस्कस करने का मन नहीं है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैंने एक कागज के ऊपर ऑफिशियल मेमोरेंडम सरकारी कागज के ऊपर मतलब आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए उस सेंस में मैं आपको बता रहा हूं तो मैं ऑफिशियल मेमोरेंडम कागज के अंदर जो जो पॉलिसी मुझे फ्रेम करनी है वो देश भर में लागू कर दूंगा अब क्वेश्चन यहां आया आ, कि क्या ऐसा करा जा सकता है क्या कोई प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ऑफिशियल मेमोरेंडम कोई पॉलिसी देश के अंदर लागू करवा सकते हैं बिना कैबिनेट से डिस्कस करे बगैर ऐसा किया जा सकता है यह इश्यू अभी आगे वाले केस के अंदर डिस्कस करा गया था जो मैं आपको अभी बताऊंगा

वासी नहीं लिया उन्होंने कहा बात, है। है। बात कर दी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना चौबीस के अंदर के है। है? यानी कि अगर इसका मैं सीधे तौर पे मतलब बताऊं ओबीसी के अंदर अगर मान लेते हैं सौ तो लोग आ रहे हैं सौ तो लोग सौ तो लोगों में से साठ लोग पैसे वाले हैं पैसे वाले इन सेंस इतना है कि हाँ यार अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं इनके पास अपना मकान है अपना घर चलाने के लिए रोटी चावल है वगैरह वगैरह अगर लोग अपना ठीक है है बढ़िया बैकवर्ड क्लास में तो आते हैं ठीक है बट इनको इतनी ज्यादा नीड नहीं है ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया गया और चालीस लोग ऐसे हैं जो मोर बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं जो मोर बैकवर्ड क्लासेज के अंदर आते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव ने बोला कि जो आ, पुरानी वाले सरकार ने वीपी सिंह ने ओबीसी कैटेगरी को 27 परसेंट रिजर्वेशन देने की जो बात करी थी उसमें हम अलाउ तो कर रहे हैं लेकिन उसमें चालीस लोग के अंदर दी जाएगी और किसी को नहीं मिलेगी ये लोगों को नहीं मिलेगी तो मोर बैकवर्ड ओबीसी के अंदर भी जो मोर बैकवर्ड वाले होंगे आएंगे उनको रिजर्वेशन देंगे बाकी जो अपना ठीक ठाक लोग है उनको हम देंगे ही नहीं तो यहां पे अब करना ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ओबीसी कैटेगरी के अंदर ओबीसी क्लास के अंदर कितने लोग हैं उनमें से कितने लोग मोर बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं और उनमें से कौन कौन से मोर बैकवर्ड क्लासेज वाले लोगों को नरसिम्हा राव की सरकार जब आई थी इन्होंने ये बात हेल्ड करी गई बोल सकता हूं कि आ, जो क्रीमी वो इंट्रोड्यूस करा गया 1991 के अंदर। अब का मतलब क्या होता है ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा वैसा है या तो ये इनमें से कोई सरकारी इन, इनके, इनके परिवार में से कोई सरकारी नौकरी वाला कोई व्यक्ति है जब सरकारी नौकरी तुम्हारे पे है तो भाई तुम्हारी जो नीचे की पीढ़ियां हैं तुम उनका तो पालन पोषण अच्छे से कर लोगे उनको रोटी पढ़ाई लिखाई अच्छा कॉलेज तो प्रोवाइड करा सकोगे अगर कर तुम्हारे पे सरकारी नौकरी है तो ये माना गया तो यहां पर यह बोल दिया गया इन साठ साठ लोगों को क्या नाम दे दिया गया क्रीमी लेयर कि आप क्रीमी लेयर में आते हो आपको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है आपकी पीढ़ियों को आपके बच्चे लोगों को रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है ठीक है जी और जो मोर बैकवर्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन देंगे क्रीमी लेयर वाले लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो कोई पैसे वाले हैं या जिसके घर में कोई बिजनेसमैन है जो ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉफिट अपने कमा रहे हैं ठीक है या तो कोई आई ऑफिसर है कोई आईपीएस ऑफिसर है ठीक है और या तो कोई पॉलिटिशियन का मिनिस्टर का कोई बेटा है ठीक है कि एक मिनिस्टर साहब जो है अपना ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ठीक है अब वो मिनिस्टर है यार तो वो एक क्रीम, क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे अब उनका जो बच्चा हो वो तो, तो इसीलिए नौकरी के ऊपर उनका जो बच्चा हो तो उनको क्रीमी लेयर में डाल दो और इनको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है अगर ये ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो लेकिन अगर ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं अगर मान लेते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर कोई क्रीमी लेयर में आए

शेडूर का शेडूर के नर, अभी कोई बात नहीं करेगी तो क्लीम, लेयर का कब आया? 1991 से आया कौन सी सरकार लेकर आई थी पीवी नरसिम्हा राव नाइनटीन के अंदर बात खत्म यहां तक समझ में आगे कहानी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिएगा कि यहां तक जो मैंने आपको कहानी बताई है कैसी लगी है और मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा है यही मैंने पूरा का पूरा ना अपना दो तीन महीने हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बैच मैंने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है और ये जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा ना तो इसके अंदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बैच आपको अवेलेबल होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राउंड लेवल से और क्या कहानी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने और सारा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने जितने आर्टिकल्स जो जो कंटेक्ट हमें याद रखना चाहिए वो सब पढ़ाया हुआ है याद रखिएगा तो जितने भी लोग बहुत सस्ते प्राइस में बहुत कम प्राइस के अंदर बैच लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना हमारा भारतीय साक्षर अधिनियम का भी बैच है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी बैच अभी चल रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी बैच चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी फैमिली लॉ के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी लेकिन ऐसी मिलेंगी आप लाइफ में याद रखोगे ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं अब पीवी राव ने एक बात और प्रोवाइड कराई गई थी आ, पहले तो उन्होंने कहा भाई क्रीमी लेयर का ओबीसी वालों में मोर बैकवर्ड क्लासेस में हम रिजर्वेशन देंगे साथ में पीवी नरसिम्हा राव ने एक बात और ऐड करी गई कि दस परसेंट रिजर्वेशन ना ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को भी दिया जाए

वीकर लोग हैं इकोनॉमिकली पैसों से वीकर लोग हैं उनके घर में घर चलाने के पैसे नहीं हैं तो ऐसे लोगों को ईडब्ल्यू एस की कैटेगरी का दर्जा दिया गया और पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहली बार दस परसेंट रिजर्वेशन दिया गया था तो आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा या मेंस में कोई पूछेगा कि सबसे पहली बार ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन किसने दिया था नाइनटीन के अंदर दिया था पीवी नरसिम्हा राव साहब के द्वारा दिया गया था फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था तो फिर वो बात बंद हो गई फिर 2019 में

तुम एक और रिजर्वेशन का मुद्दा मतलब लेकर आ रहे हो तो ये कंटेक्ट अगर मैं बोलूं बोलू, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं जनरल वालों को भी कोई EWS की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद क्या हुआ ओनली मोर बैकवर्ड कि यहां पर जो रिजर्वेशन ओबीसी के अंदर मोर बैकवर्ड क्लासेस वालों को दिया गया है क्या ये वैलिड माना जाएगा ये भी एक इश्यू आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात के लिए कहा कि यस बढ़िया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओनली मोर बैकवर्ड क्लासेज अमंगस्ट ओबीसी विल गेट रिजर्वेशन ये बात बिल्कुल ठीक है ऐसा किया जा सकता है दूसरी बात क्रीमी लेयर कंसेप्ट अलाउड ओनली इन केस ऑफ ओबीसी एंड नॉट इन दी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर जोर देकर कहा कि जो क्रीमी लेयर का है ना ये केवल केवल ओबीसी में अलाउड होगा कि और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल में ये OBC, ये ओबीसी क्रीमी लेयर का हम अलाउ नहीं करते हैं। तुम ये मत समझना कि ओबीसी के अंदर तो अलाउ कर दिया तो यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल के में भी अलाउ कर दे नहीं 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 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट में अगर कोई क्रीमी लेयर है भी ना तब भी वो रिजर्वेशन मजे से एंजॉय करेगा ओबीसी में नहीं ओबीसी में केवल मोर बैकवर्ड क्लासेस वाले

कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा कि कैरी फॉरवर्ड रूल अपना बढ़िया है जो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस के अंदर बात लिखी गई थी वो वैलिड है उसको हम अपहेल्ड करते हैं बात खत्म हो जाती है हालांकि और भी मुद्दे थे इस केस के द्वारा जो डिसाइड करे गए थे रिजर्वेशन इन प्रमोशन के अंदर कैसे अपना हम डिसाइड करेंगे कि अगर मैं अब सरकारी नौकरी पे आ चुका हूं अब मुझे प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन है नहीं है अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके लिए भी अपनी अलग अलग एक लड़ाई है

तो EV, के केस में ये आया गया। ने कहा कि शेड्यूल के तहत बनाए गए हैं है? जिसमें प्रेजिडेंट जो है प्रेजिडेंट साहिबा प्रेजिडेंट साहब अपना खुद एक ग्रुप बनाते हैं कि इन सारे लोगों को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल बना दिया जाए ठीक है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा या साहिबा के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है ठीक है तो इसीलिए इसको एक अपने आप में एक होमोजीनियस ग्रुप माना गया है कि अपने आप में एक ऐसा ग्रुप है जो अपने आप में कंप्लीट ग्रुप है जो प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे भारत के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा अपने आप में ग्रुप बनाया गया है इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसमें छेड़छाड़ करने का मतलब होगा संविधान का उल्लंघन करने वाली बात करी जा रही है इनके अंदर छेड़छाड़ करने की बात आ, करने का मतलब यह होगा प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डर जो प्रेसिडेंट के द्वारा ग्रुप चुना गया है उसमें छेड़छाड़ करने वाली बात होगी

दो हजार चौबीस के अंदर अपना जजमेंट आया बताए पांच सौ से ऊपर पेज का जजमेंट है तो पढ़ने में हालत बुरी हो गई थी बट स्टिल स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज देवेंद्र सिंह एंड अदर्स तो पूरे जजमेंट के अंदर मुद्दे वाली बात मैंने आपके लिए निकाल कर आया हूं कि जिससे कि आप कहानी से कनेक्शन बना पाओ जो मैंने उन्नीस से कहानी शुरू करी है आपके लिए और अभी हम 2024 तक जो कहानी लेकर आए हैं शायद आपको पूरी कंप्लीट सिस्टमेटिक फॉर्म में समझ में आई होगी तो इसीलिए वही कहानी है सुप्रीम कोर्ट ने पहले दो बातें मुद्दे की रखी हैं दो बातें यहां पे पूरे जजमेंट में आपको निकल के याद रखनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं ठीक है अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो एलएलएम कर रहे हो पीएचडी कर रहे हो वहां पे पी एच डी कर रहे हो रेलिवेंस रहेगी बट मैं एज अ जुडिश्री आ, का ट्यूटर होने के नाते एजुकेटर होने के नाते और एक टीचर होने के नाते आपको मैं मुद्दे वाली बातें बताऊंगा ठीक है इसके अंदर क्या बोला गया पहली बात जो दो हजार पांच में ईवी के केस में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को सब क्लासिफाई करने से मना करा गया है हम उसको ओवर रूल करते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बात तो ये करी है कि ये जो है, इसको ओवर रूल कर दिया है कि इस बात इस जजमेंट में जो बात बोली गई है वो गलत बात बोली गई है वो गलत बात बोली गई है तो इसीलिए कि अपने आप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो एक एक होमोजीनियस ग्रुप होता है ऐसा 2005 के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बोला गया था गलत बोला गया था अपने आप में ये वन होमोजीनियस ग्रुप नहीं होता है इसके अंदर और लोगों को ऐड करना है हम कर सकते हैं और लोगों को बाहर निकालना है निकाल सकते हैं तो अपने आप में वन होमोजीनियस नहीं है तो uh, सुप्रीम uh, लिए अंदर जैसे कि अगर सौ लोग सौ लोग हैं सौ लोग uh, सौ लोग अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं अब इनमें से आप आइडेंटिफाई करो कि इनमें से साठ लोग हैं अपना क्रीमी uh, लेयर के 40 लोग आते हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर तो एक एग्जाम्पल के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं अभी ये पॉलिसी ऐसी बनाई नहीं है क्योंकि अभी तो जजमेंट ही आया है सरकार एकदम पॉलिसी कैसे बना देगी और अभी तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इतने ज्यादा बट ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं तो यहां पे मान लेते हैं कि इनके लिए यहां पे बना दी दस परसेंट रिजर्वेशन इनको दी जाएगी इनके लिए बना दी कि इनको पंद्रह परसेंट रिजर्वेशन दी जाएगी ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा सरकार अगर करेगी तो एक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा प्रोटेस्ट नहीं होगा सोसाइटी में एक इक्वालिटी मेंटेन रहेगी लोगों के मन में जिज्ञासा रहेगी कि हाँ चलो सरकार ने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ काम किया है सरकार ने हमारे लिए भी कुछ एक एडवांटेज हमारे लिए रखा है अभी दस परसेंट का बीस परसेंट कर लो इसका पच्चीस परसेंट कर लो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दस दस परसेंट दस पन्ना परसेंट बताया था अब ये सरकार की जिम्मेदारी है हम सरकार तो है नहीं अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कितना परसेंट रखेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला

लेकिन अगर इनमें से अगर कोई मोर बैकवर्ड क्लासेस आता है तो उसको पांच परसेंट रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दे देंगे यानी कि देने परसेंट रिजर्वेशन दे देंगे तो यही बात हो गई कि शेड्यूल शेड्यूल कास्ट एंड वर टू गिव सेपरेट कोटा फॉर मोर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि क्रीमी लेयर वालों को या तो कोटा बिल्कुल मत दो या तो बिल्कुल रिजर्वेशन मत दो दे या देना है तो उनको कम दो मोर बैकवर्ड क्लासेस वालों को ज्यादा दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह सेंस निकल के आ रहा है या तो बिल्कुल मत दो क्रीमी लेयर वालों को या तो देना है तो थोड़ा सा ज्यादा मोर बैकवर्ड क्लासेस को दे दे दो दो उनको कम ये ये सेंस निकल के आ जाता मतलब आ जाता जाता है 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 सब क्लासिफिकेशन का मतलब नजर में ठीक अभी अभी तो, तो कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं करी गई है क्योंकि अभी तो दो चार दिन ही हुए हैं जजमेंट आए हुए और अभी इक्कीस अगस्त को तो प्रोटेस्ट हुआ है बाईस अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे होंगे ठीक है जी थी? तो ये सारी बातें निकल के आ जाती है तो यहां पर बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बात तो दूसरी बात बोला है कि स्टेट जो सरकार है वो आइडेंटिफाई करेगी

जैसे कि हमने कहा है जो भी शेड्यूल का शेड्यूलो बीस परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा इनमें से मैं सरकार होने के नाते मैंने आइडेंटिफाई करा कि 100 में से 60 लोग तो क्रीमिलियर और 40 लोगों को मोर बैकवर्ड क्लासेस में पच्चीस परसेंट दे दो ताकि दोनों लोग खुश रहे ठीक है जी चलो बट सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए यार कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया ना तो उसके बाद में सरकार को इमीजिएटली एक पॉलिसी बनाने के बाद में सभी नागरिकों को सभी नागरिकों के मन में शांति आ जाए सभी नागरिकों के मन में संतुष्टि आ जाए सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हां भाई हमारे क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन पूरा छीन लिया गया है या हमारे को भी कोटा मिलेगा और मोर बैकवर्ड क्लासेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो ऐसा कुछ यहां पे रखना चाहिए तभी लोगों के मन में, में संतुष्टि आएगी शांति आएगी सेटिस्फेक्शन आएगा और कोई प्रोटेस्ट हमारे भारत के अंदर पूरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना जजमेंट दिया है जो उनका जजमेंट हमेशा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है एपिक्स कोर्ट माना जाता है अब इनके जजमेंट का हमारे रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और अगर इनके जजमेंट को अगर हमें चैलेंज भी करना है तो हमारे पे कोई होना चाहिए। अगर तो अलाउ करेंगे कि आप आ जाओ, हम आपका में लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने जजमेंट गलत डिलीवर करा है कोई बात नहीं हम उसको इंप्रूव करेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट तो लेकर आइए अब ऐसे अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे और अगर हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा

अपने आपको नहीं मानते हैं वो भी एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अगर आपको जुडिशियल ज्वाइन करने हैं और एक अच्छी जगह पे पढ़ना है ऐसा नहीं है कि भाई टीचर से ज्वाइन तो कर लिया अब मेरे को टीचर से कोई डाउट पूछना है टीचर में से बात ही नहीं करता कोई पूछता नहीं है कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं देता कुछ कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है टाइमली बेसिस में मुझे क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाती है वगैरह वगैरह अगर ऐसे इश्यूज में आपको पढ़ना है तो भतेरी दुनिया है ठीक है लेकिन अगर आपको एक्यूरेट स्टडी करनी है और एक सिंसियर बच्चा होने के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्मार्ट लीगल गाइडेंस बैचेस अवेलेबल होंगे अपना शांत से आपको आपको जो आपको अवेलेबल है और आपको कोई भी क्वेरी है डिस्काउंट्स के बारे में आप एक बार चैटबॉक्स के अंदर हमारे को पर्सनल मैसेज करके वो क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं और बैचेस अपना ज्वाइन करके अपने आपको मजबूत बनाइए अपने आपको कॉन्फिडेंट बनाइए एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट मत करो एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाती है ना तब डर बन जाता है मन में तब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती तब तो रिविजन होती है केवल तो इसलिए कह रहा हूं अभी के अभी अपने आप को मजबूत कर लो एग्जाम की नोटिफिकेशन धीरे धीरे आती रहेंगी बट उससे पहले अपने आपके सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना जरूरी है ठीक है जी चलो हम मिलते हैं ऑफ हैव है गुड डे ऑल ऑफ यू